अभी ना बुल्ली को पता नहीं है कि इसको घूमने लेके जाऊंगा मैं, तो अभी देखना कैसा आएगा। इसको पता नहीं है, मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा हल्का सा। ओले, इशारे से पहले इतना डाउट गए उसको भाई, मतलब इतना पता चल जाता है एनर्जी का कि आज तो कहीं जाएंगे घूमने, क्योंकि इस टाइम ना हम जाते नहीं जनरली कहीं पे, लेकिन आज ही जाएगा, आज होगी बिल्ली की सर्विस। चलो गाइस निकल चुके हैं, अब हम फटाफट चलते हैं, पहले जनकपुरी जाना है एक बार, दादाजी को छोड़ के जनकपुरी, फिर सीधा निकलेंगे पीतमपुरा। वाह, होगी बिल्ली की सर्विस। और बुल्ली को यार पता चल गया है कि हम कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं भाई। आजा, अब वो ही खींच के चल रहे हैं। तो सबसे पहले ना अंदर चलते हैं, रिएक्शन देखते हैं लोगों क्या रहता है, जैसे देखते हैं चल के। इधर और भी डॉग्स बैठे हुए, पुलिस का ले रहा सारे डॉग्स की फटाफट। अभी गेट में नहीं खोला नहीं है, अंदर से डॉग्स ने देखना शुरू कर दिया भाई बिल्ली को। चलो अंदर चलते हैं। ओहो नो, देखो काफ़ी बड़ा शोर है यार। अब इसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ लेके भी चलेंगे बुल्ली के लिए, बाकी ग्रूमिंग के तो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इसके पास बुल्ली में। ओह ये देखो ये देखो देखो, चुलबुला सा अच्छा है काफ़ी, और बुल्ली ले रहा सब कुछ, बुल्ली हो रहा है एक्साइटेड इस टाइम पे, इसको सब सब सबसे सब मिलना है अभी इस टाइम पे बुल्ली को। पहले ना स्टोर का ग्राउंड लेते हैं। ओए ओए इसकी स्टाइल देखो आई छोटू, बुल्लू मिलवाते हैं इससे। बस दूर से दूर से दूर से वो बुल्ली को ना दिखाते हैं शीशे में, बुल्ली कैसा रिएक्शन रहता है बुल्ली का देख के शीशे में खुद का। छोटू छोटू आ रहा था बैड बॉय, शीशे में देख बुल्ली ये कौन है, बुल्ली इधर देख जल्दी देख शीशे में कौन है, ये कौन है बुल्ली को पता है यार शीशा पहचान लेता है। इधर फूड है आपका, सारा फूड सेगमेंट हो गया, काफ़ी बड़ा स्टोर है यार यहाँ पे, फूड भी है मेडिकल का भी है सारा सामान, और अच्छी ब्रांड है, मतलब सारी अच्छी ब्रांड यहाँ पे लगी हुई है ऑलरेडी। ओ भैया बुल्ली की वो ऐसे मेरे साथ ही जाएगा, ये आपके साथ ही जाएगा, हाँ मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ बुल्ली चल चल बड़ा, देखो मेरे चलते कैसे चल पड़ा ये जाता नहीं भाई किसी के साथ। टिक 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 टिक, नो उधर नहीं, चलो ऊपर चलो 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 चलो। अच्छा इधर आपका एक्सेसरीज का सारा, इधर आपका ग्रूमिंग है, अच्छा ये सारा ड्राई सेक्शन है, ओके यहाँ पे ग्रूमिंग होती है, आगे जो सेक्शन उसका हेयर कट का है, देखो जैसे मेरे बाल कट का है, अभी डॉग के बाल कट गए हैं, बहुत बढ़िया। अंदर सारा जो टीम में जाते हैं वो नाचते देते हैं। अच्छा ये देखो अभी पग की शेविंग हो गया और फुल तरीके से यार क्लीनिंग व्लीनिंग फुल बढ़िया लग रहा है मुझे। ओ बड़ा सा लॉबी बैठा हुआ भाई, आवाज़ आपको शायद थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी क्योंकि ब्लोर चल रही है ब्लोर की। ये देखो पग वैसे कितने लगते हैं ना कैसे होते हैं, और अब देखो शेविंग के बाद कैसा निकल के आ गया छोटा सा बच्चा, हल्का सा छोटा सा बिल्ली क्या हो रहा है सर्विस सेंटर के अंदर। हेलो डर गया डर गया डर गया, आ जा आ जा आ जा आ जा जल्दी आ, चल वो बैठ गया भाई ये तो उठ नहीं रहा, चल बंदे नहाएंगे नहीं नहीं करेंगे पड़ेगा क्या, तो नहाने लग रहा है मस्त तरीके से। हाँ बेटा हाँ डर रहा है तो टॉप कहाँ पर है बेटा, यहीं होगा डरना नहीं ना। आ जा बच्चे,
अब इसको मदर डाल के कराया जाएगा। आ गया गाइज़, यहाँ तक मुझे ना बिल्कुल नहीं आइडिया था कि बुल्ली के साथ कैसे ये लोग ट्रीट करेंगे, बट ये जो तरीका था ना ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिस हिसाब से डॉग हैंडलर ने इसको हैंडल किया, मज़ल चलो ठीक है, बहुत सारे डॉग से डरते हैं और ऐसी ब्रीड से खासकर डरते हैं, सेफ्टी के लिए बांध लेते हैं, लेकिन अब देखना किस हिसाब से ये हैंडल करेगा। मतलब जहाँ एक छोटा सा बच्चा है ये, मतलब मैं भी वहाँ खड़ा था, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे हैंडल कर लेगा। वो तो मैं रिकॉर्डिंग में थोड़ा इतना बिजी हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से इसने क्या कर दिया। इतनी शोर था वहाँ पर, इतनी आवाज़ें थी, मैंने बाद में जाके इनको फीडबैक भी दिया, इनको वहीं रोक के और टोक के बोला भी। मुझे लगा कि ये शायद दिन का नॉर्मल ऐसा ही तरीका होता होगा, बट ये यार कोई ये अच्छा डॉग हैंडलर नहीं है। मैंने बहुत इससे भी बहुत बड़े डॉग्स को होते हुए देखा है, नहलाते हुए देखा है, और ये पहली बार था बुल्ली को हम घर पे ही नहलाते हैं। घर पे इतने प्यारे, देखो कैसे किस तरीके से गर्दन खींच रहा है, ऊपर से पूरा ही मतलब मिसबिहेव कर रहा है एक तरह से ना डॉग के साथ। यार आप ना देखो, मैं आपको बता देता हूँ, घर पे नहला सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, अपने डॉग को आप दे देते हो सोफे पे जाके चाय वाय पीने लग जाते हो, और आपके पीछे से आपको देखो किस तरीके से डॉग को हैंडल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे हैंडल करते होंगे, लेकिन मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। इवन तो इनको पता है कि कैमरा चालू है, कैमरा इनको रिकॉर्ड कर रहा है, उसके बाद ही आला। और सोचो कि अगर कैमरा नहीं होता तो मेरे बच्चे के साथ ये तो क्या ही कर देते, बर्बरता बिल्कुल, उसके दिल में तो एकदम डर ही बैठ जाता। ये पहला और आखिरी दिन था जब हमने ऐसे बाहर इसको बात करवाया है। उसके बाद से हम सिर्फ और सिर्फ बुल्ली को घर पे ही कराते हैं, और स्टार्टिंग से हम बोलते हैं, मम्मी नहलाती है बुल्ली को, मम्मी बोलती है कि बुल्ली आजा नहा ले। चुपचाप लड़का बाथरूम में आता है और इतना खुश होता है नहाने के बाद, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही उल्टा केस हो गया यार। तो ये मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सबसे भी, लेकिन ये दिखाना भी बड़ा ज़रूरी था। हो सकता है मैं ना इसको काट भी सकता था इस सीन को, लेकिन ये आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों ये पहली और आखिरी बार थी ऐसी गलती जो मैंने कर दी है। और देखो किस सामान की तरह ट्रीट किया है मेरे बुल्ली को, जो कि मेरे लिए एक परिवार का सदस्य है, और मेरे सामने ही है बंदा ऐसे ट्रीट करता है यार। बाहर जैसे ही मैं देखता हूँ ये इसके साथ ही बदतमीजी, इतना प्यारा डॉग है, इसके साथ ही बदतमीजी कर रहा है यहाँ का एम्प्लॉई। ये देखो मार रहा है, पीट रहा है, इनको कैसे करता है, इनको कैसे करता। और इस पॉइंट पे बदतमीजी इस लेवल तक बढ़ चुकी थी कि पीछे से उसके मालिक ने भी, जो शॉप ओनर है, उसने भी डांट के इसको बोला कि भैया क्या कर रहे हो, कैसे खींच रहे हो, क्या कर रहे हो ट्रीट आप। ये बोलता है कि साइड में तो करूंगा। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है काम। भाई इस पॉइंट पे बंदा बोलता है कि क्या है बुल्ली को सफाई पसंद नहीं है। अरे भाई मेरे मालिक, सफाई पसंद ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये कुत्ते हैं, ये ऐसे बिहेव और ट्रीट नहीं करते, और ना ही तुम हमें इनके साथ ऐसा ट्रीट करना चाहिए। आपने तो इनको एक मॉडल बना दिया जिसको बस ऐसे पानी में डालो, बस एक बिजनेस के रूप में इसको देख रहे हो। ये जानवर है भाई, इनको प्यार से रखो, और इनको इनकी जैसे नेचर इनको रखता है वैसे रखना चाहिए। ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, मैं इसकी सख्त अब खिलाफ हूँ, और ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। भले ही अब मेरा दिल बड़ा दुख रहा है इसको पब्लिश करते हुए, लेकिन बहुत अच्छा। इस टाइम पे देख बुली इतना इरिटेट हो चुका था कि इनको अंदर से मतलब बाइट करने की, आंखें लाल हो चुकी थी, खून भराया था आंखों के अंदर, कि अगर ये मजल खुला होता तो सही में काट लेता, और भाई काट लेता ना तो सही में मुझे लगता कि सही है यार, बदला ले रहा है, बहुत ठीक है, हम इसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं इस टाइम पे, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था।
लेकिन अगर ये वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं होती तो आगे भी पता नहीं कितने लोग इसको अभी भी बिना देखे जो जाएंगे और करवाएंगे अपने डॉग के साथ, और पता नहीं उनके साथ कैसे क्या बिहेव होगा। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई ज़िंदगी में ऐसे कभी भी किसी को लेके जाना चाहिए, और साफ सफाई के पीछे ऐसे करना चाहिए। इस पॉइंट तक गुल्ली देखो इस धागे से भी इतना डर गया था कि इसको लग रहा था कि मजल तो नहीं डाल देंगे, ये बालाजी के नज़र का धागा है जो हमेशा बुल्ली के गले में रहता है। लेकिन देखो क्या ही मतलब इसके दिल में खौफ बैठ गया था कि ऐसे बनाना पड़ रहा है इसको धागा। पर इन्होंने भाई गुल्ली ने ना छक्के छुड़ा दिए अंदर जितने काम करने वाले थे ना भाई। मैंने बोला कि अग्रेसिव तो है नहीं बुल्ली, वैसे है भी नहीं अग्रेसिव, अलग ही एक्सपीरियंस था भाई आज के बाद। वैसे मैं तो सोचूंगा कि घर पर ही जो आराम से नहा लेता ना ये, तो इसको तो घर पर नहला दूंगा यार, ये घर पर बढ़िया नहाता है इस, तो ये घर पे ही आएगा आगे आज के बाद। नए लड़के हैं अभी इसको आदत है अपने घर मालिक के साथ रहने की, बहुत ज्यादा अटैच्ड है क्योंकि ये तो आपको पता ही है। हम मिलाते तो उसमें फर्क रहता है। पानी पिलाते हैं यार, बहुत प्यास लगी होगी। बुल्ली ले पानी पी, बोलो क्या दिख गया कोई चूहा हुआ? अच्छा बिल्ली है, अच्छा जब भी तो देखो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी वजह से कर रहा है बिल्ली, बुल्ली को बिल्ली दिख गया है। ओह भाई दूरी रखना पड़ेगा इससे तो, नहीं तो सीन हो जाएगा। अच्छा यार ये तो बड़ा तगड़ा बेकार काम हो जाएगा, नहीं तो बिल्ली को दिक्कत। हाँ बिल्ली से थोड़ी, बिल्ली से दिक्कत है बिल्ली को, बहुत प्यास तो बहुत लगी थी इसको लेकिन छोड़ रखा था बिल्ली के चक्कर में। बिल्ली आने वाली है और बिल्ली देखना उधर से भैया ले जा रहे हैं बिल्ली को। देख बिल्ली, बिल्ली आ गई, ये रही देख रही वो रही बिल्ली, अबे नीचे देख रहा है बिल्ली, बिल्ली ऊपर है, बिल्ली नीचे ढूंढ रहा है उसको भी। देख ये रही ऊपर बिल्ली भाई, ये देख बुल्लू बिल्ली अब देखा इसने बिल्ली ओ भाई आओ देखो भाई, बस ठीक है पानी पी लिया, पानी पी लिया, देख लिया ना पानी पी लिया। अच्छा ये आपके पर्शियन कैट है जी? ये भैया कैलिको पर्शियन है, बहुत रेयर है, आपने कभी ऐसी बिल्ली देखी नहीं होगी किसी के पास भी। ये इसके मदर फादर जो है वो रशियन इंपोर्ट है। अच्छा मैंने नासिक महाराष्ट्र से लिया है। अच्छा हाँ शक्ल लग रही है क्योंकि मैं अभी ना 2018 में रशिया गया था तो वहाँ के लोग भी ऐसे दिखते हैं थोड़े थोड़े, अगर आप या कुछ रीजन में जाओगे ना तो उधर के लोग थोड़े से ऐसे दिखते हैं। जो ऐसी बिल्ली इंडिया में, पूरे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी। यूरोशियन मंगोलियन शक्ल जो होती है वो ऐसी होती है लगभग। क्या नाम है इसका? कैलिको पर्शियन ब्रीड का नाम है, इसका नाम है अलेक्सा। अलेक्सा अलेक्सा अच्छा अलेक्सा एक्टिव होकर दिखाओ, उबासी आ रही है अलेक्सा का तो। सो क्यों उठी अभी? हो हो बहुत ही थोड़ी ऐसी लग रही है कि लग्जरी काइंड ऑफ स्टफ है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, मैंने पहली बार देखी यार ऐसी क्या। ओह यार इतनी सॉफ्ट है मतलब, और इसकी आंखें देखो यार मतलब कैसे देख रही है, ऐसे सस्पिशियस तरीके से बिल्कुल कोई हैरी पॉटर। बुल्ली आएगा तो इसको पंजे ही मार सकते। हाँ हाँ लग रही है कि जैसे हैरी पॉटर में वो हॉगवर्ट्स का वो होता था जो अभी डेथ भी हुई है इस बंदे की, सेम ऐसी शक्ल है अलेक्सा की। 3.5 साल इसकी एज है, तो वैसे कब तक लाइफ स्पैन क्या होता है बिल्ली का? 15 से 18 साल। 15-18 होता है, कुत्तों से भी ज़्यादा। अच्छा तो अभी तो 3.5 साल की भी तो एडल्टी हुई है लगभग। अच्छा पर ये ऐसे नहीं मिलते ना जैसे कि अगर ऐसे डॉग होता है और हम घर पे जाते हैं और जैसे मिलते हैं ऐसे मिलती है या नहीं? नहीं मिलती नहीं, बस ऐसे ही अपना रख दो इसको ऑफिस चले जाओ। ये लग्जरी कैट है जैसे पर्शियन, इसलिए कि वहां पे रानी बस्ती यूज करने इसका मन है तो आपसे मिलेगी, नहीं है तो नहीं। अच्छा बिल्लियों में ही है, मूडी होते हैं, बड़ी रॉयल कैट है। चलो ज्यादा वैसे एक्टिव भी नहीं है इंडिया की, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये, अपना रॉयल चाल है। और देखो पूंछ भी हल्की सी लगा चली गई, सही है बढ़िया कूल। बिल्ली खुली, बिल्ली खुली हुई है और बिल्ली वो चली गई अंदर चली गई। आ जा जा चल बुल्लू, आ जा जा जा। और ये खोल दी हमने गाड़ी, चल बेटा बैठ बुल्लू जंपी, शाबाश गर्म हो रही होगी गाड़ी। ओहो गाड़ी बड़ी गर्म हो रही है यार, फटाफट एसी चलाना पड़ेगा, सांस निकल गया आज तो, बड़ा टाइम भी लग गया।